दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको शहद के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदों के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। और अगर आपको अब तक शहद इस्तेमाल करने में थोड़ी भी संकोच महसूस होता होगा तो आज से ही आप बिल्कुल बेशर्म होकर इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, शहद बेशुमार फायदों से भरपूर होता है और आज मैं आपको जो उसके फायदे बताऊंगा आप इसे जान के वाकई हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। दोस्तों, शहद के बेशुमार फायदे होते हैं। शहद को भारत में ही नहीं बल्कि दूसरी अन्य सभ्यताओं में भी इसके बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता है। आज तो मेडिकल साइंस भी इसके गुणों पर शोध कर रही है और इसके गुणों को स्वीकार करती है। तो क्या क्या गुण हैं इस मामूली से दिखने वाले शहद के अंदर? दोस्तों, शहद या हम कहें मधु हमेशा से रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ होता है और साथ ही सदियों से एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में हमारे पूर्वज शहद के कई लाभों से अच्छी तरह से परिचित थे। एक औषधि के रूप में उसका इस्तेमाल सबसे पहले सुमेरी मिट्टी के टैबलेटों में पाया गया था जो करीब 4,000 साल पुराने हैं। लगभग 30% सुमेरी चिकित्सा में शहद का इस्तेमाल होता था। शहद में यानी भारत में शहद सिद्ध और आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियां हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, इसके बेशुमार फायदे हैं और आज कल की चिकित्सा समुदाय भी इस शहद पर शोध करने में मजबूर है और वो शहद के रोज न जाने नए नए रिसर्च से पाते हैं कि शहद न जाने कितने ही समस्याओं का एकमात्र इलाज है। दोस्तों, इन पर मैं आज कुछ आपको नज़र डालते हुए बताता हूँ कि शहद के क्या फायदे हैं। दोस्तों, शहद आपके खून के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, शहद शरीर पर अलग अलग प्रभाव और असर डालता है जो इस पर निर्भर करता है कि आप इसका सेवन कैसे करते हैं। तो अगर शहद को अगर आप गुनगुने पानी में मिलाकर पिया करते हैं या पीते हैं तो उसका खून में लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC की संख्या पर लाभदायक असर पड़ता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं आपकी मुख्य रूप से शरीर की विभिन्न अंगों में खून में ऑक्सीजन पहुंचाती है और इसका काम अगर आप इसके पानी के साथ पीते हैं मिला के तो ये आपको अनीमिया या खून की कमी की जो बीमारी होती है उससे आपको बचाता है और आयरन की कमी से भी आपको निजात दिलाता है। दोस्तों, इसकी मदद से आपके खून में ऑक्सीजन और का लेवल बहुत बढ़ जाता है और आपके जो खून ना बनने की समस्या होती है वो बिल्कुल जड़ से मिट जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है रक्तचाप में यानी ब्लड प्रेशर में। शहद का नियमित सेवन करने से आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है रक्त का यानी खून का वो बिल्कुल संतुलित हो जाता है और आप सिर्फ शहद की मदद से ही आप हमेशा ऊर्जावान और फुर्तीला महसूस करेंगे। अगर आपको BP की शिकायत है यानी आपको रक्तचाप की शिकायत है और अगर आप नीचे बैठे बैठे अचानक उठने की कोशिश करते हैं तो आपको चक्कर आ जाते हैं, अगर आपके भी कुछ ऐसे ही लक्षण हैं तो इन सभी में यानी इस सभी BP की समस्या में आपको अपने ये मतलब समझ लेना चाहिए कि आपके दिमाग में ऑक्सीजन कम जा रहा है। इसी तरह से अगर आप अपना सर नीचे करते हैं और आपको चक्कर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। या तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको चक्कर आते हैं।
तो शहद के सेवन से आपको इन सभी बीमारियों से यानी बीपी की समस्या से बिल्कुल निजात मिल जाएगी और रक्त आपके शरीर में जो खून का दबाव शरीर की जो पड़ता है वो बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। लोग अक्सर बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं लेकिन इस मामूली सी औषधि से वो अपनी सभी बीपी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जिसकी मदद से आप पाएंगे कि आपका खून अच्छे से तेजी से पंप होने लगेगा और आपके खून में दबाव बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो बीपी की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसका जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा है वो कीमोथेरेपी में बहुत ही असरदायक पाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कीमोथेरेपी अक्सर जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस दौरान उनकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC की संख्या जो होती हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। उस दौरान अगर आप उन उन सभी मरीजों को अगर आप शहद आप देते हैं शहद का सेवन करवाते हैं तो आप ये पाएंगे कि उनके 40% मरीजों में आप देखेंगे मात्र सिर्फ 2 चम्मच शहद पीने से उनकी समस्या से वो उभर जाते हैं और उनके जो शरीर का जो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या वो बढ़ जाती है और वो अच्छा महसूस करते हैं। शहद चीनी से कम नुकसानदायक होता है, सबसे बड़ी बात यह है, या तो कहूँ मैं नुकसान होता ही नहीं है, अगर चीनी चीनी से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। शरीर पर सफ़ेद चीनी के बारे में हानिकारक प्रभाव के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन शहद उसका एक बढ़िया विकल्प है, तो उतना ही मीठा है मगर उसके सेवन से आपको कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो आप इसके इस्तेमाल से अपनी महसूस करेंगे कि शहद में आपको फाइबर और स्टार्च और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ये मिश्रण आपके शरीर के सारे सारे जितने भी जो इसके अंदर के फंक्शन होते हैं शरीर के उनको उन सबको संतुलित रखता है। दोस्तों पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा है वो इसका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यानी जैसा आप कहते हैं एक अनार का ताज़ा रस लेकर अगर उसमें आप एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और रोज़ाना सुबह खाली पेट ले आप इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो जो भी दिल की बीमारी है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा और इसके सेवन से आप मात्र दिन में कुछ कुछ मतलब कुछ दिनों में आप अपने दिल का जो भी कोलेस्ट्रॉल है या फिर कोई भी आपकी जो दिल की बीमारी है वो उसे नियंत्रण में आ जाएगी। सर्दी जुकाम के लिए शहद बहुत ही उपकारी होता है। अगर आप सर्दी जुकाम से जुड़ी हुई बीमारियों से पीड़ित हैं तो आपको हर सुबह बंद नाक से जूझना पड़ता है तो आपको नीम काली मिर्च शहद और हल्दी का सेवन करें, इससे आपको फायदा बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ तक कि आपका ये सरल उपाय आपको बहुत ही कम समय में आपको फायदा और उस जुकाम से निजात दिला देगा। दोस्तों आखिरी जो फायदा उसका ये है कि वो आपको बलवर्धक बहुत ज़्यादा बना देता है। यानी जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी होती है उन सभी के लिए ये औषधि रामबाण है और इस शहद का एक महत्वपूर्ण प्रयोग उन सभी को बल प्रदान करना होता है जिससे कि आप अपने शरीर की जो कमजोरी होती है उन सबको दूर कर सकते हैं। दोस्तों इसके जो अंदर कैल्शियम कॉपर आयरन मैग्नीशियम फास्फोरस पोटेशियम और जिंक जो शामिल होते हैं वो आपके आपके जितने भी शरीर की जितनी भी कमियां होती हैं उन सबको पूरा कर देते हैं। तो ये एक तरह का एक प्रकार का एक बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार घरेलू नुस्खा है। आपको शहद को अपने अपने जो जीवन शैली में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जीवन में एक और एक कमाल का परिवर्तन लाकर एक हेल्दी जीवन जी लेना चाहिए। दोस्तों शहद को आज से ही आपने अपनी डाइट में इस्तेमाल करें और एक स्वस्थ जीवन जिए। दोस्तों आपको इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और अपने सभी प्रियजनों को भी ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी शहद का इस्तेमाल आज से ही कर सकें।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक जरूर दें। हम जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Take off.